हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सलोनी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दुर्गा पूजा मेकअप लुक अंडर रुपीज 10। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करना है। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट बात बोलना था, कितने लोगों को ये मेकअप अच्छा नहीं लगता है, अंडर 10 रुपीज़, घटिया है, चीफ है। सो प्लीज़ ऐसे लोग इस वीडियो को ना देखे, स्किप कर दे। इस वीडियो को बनाने का मेरा इंटेंशन यही था कि जो लोग मेकअप को अफोर्ड नहीं कर सकते वो कम रेंज में अपना मेकअप कर सकते हैं, और ये मेकअप उनके लिए ही है। और जिनको चीप घटिया लगता है सीरियसली वो स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखना। एंड जो लोग कास्टली मेकअप नहीं खरीद सकते ये वीडियो उनके लिए है, और आई होप ये वीडियो उनको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा एफर्ट आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एंड मैंने ऑलरेडी दुर्गा पूजा पे मेकअप ट्यूटोरियल अपलोड किया है, सो आप जाके देखना, एक बार ज़रूर चेकआउट करना। अगर अच्छा लगे तो उसे भी लाइक करना, उस वीडियो को भी लाइक करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एमिन परफेक्ट आईब्रो पेंसिल, और इसका प्राइस है 15 रुपीज़, बट मैंने बार्गेनिंग करा के 10 रुपीज़ में लिया। एंड ये पेंसिल बहुत अच्छा है, इससे आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो। हल्का सा ये जेल आईलाइनर की तरह है, बट थोड़ा सा क्रीमी भी है। सो इसे हमें केयरफुली अप्लाई करना है अपने आईब्रोज़ पे। सो आप देख सकते हो मैं कैसे अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने आईब्रो को डायरेक्शन दे रही हूँ, एंड जो क्रीमीनेस है वो भी चला जाए। देन मैं एक स्पूली की हेल्प से अच्छे से अपने आईब्रो को कॉम्ब कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये स्किन क्रीम है एंड ब्रांड भी अच्छा है, जॉय का है। इसे मैं अपने आईलेट्स पे अप्लाई करूँगी एंड अंडर आई एरिया में, हमारा आईज हाइड्रेट रहे इसलिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एम्यूरा लिक्विड फाउंडेशन, और इसका प्राइस है 25 रुपीज़। मैंने हर जगह फाउंडेशन ढूंढा अंडर 10 रुपीज़, बट नहीं मिल रहा था। एंड यही सबसे छोटा पैक था जो मुझे 25 रुपीज़ में मिला। सो इट्स ओके, चलेगा। एंड मैं यहाँ पे अफोर्डेबल मेकअप भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसे मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ये अच्छा कवरेज देता है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है, नॉर्मल कवरेज है इसका। एंड देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से आईलिड्स पे ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो भी एक्सेस हो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में अब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पॉन्स टैल्क, जो कि आपको पता है कि 10 रुपीज़ का आता है, और इसे मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी इस फाउंडेशन को सेट करने के लिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ निकलाइन का लिपस्टिक, और इसे मैं अपने क्रीज में अप्लाई करते हुए आईलिड्स पे भी अप्लाई करूँगी। ये लिपस्टिक 20 रुपीज़ का है, रियल प्राइस इसका ये है, बट मैंने बार्गेनिंग करा के 10 रुपीज़ में लिया। एंड इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने आईलिड्स पे। एंड कोई भी मेकअप टूल्स आपको अंडर 10 रुपीज़ का नहीं मिलेगा, सो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। जो भी टूल्स आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक आईशैडो ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ग्लिटर, और ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये का मिला था। एंड मैंने इसे पेस्ट करने के लिए आईलेसेस ग्लू यूज़ किया है। आप भी आईलेसेस ग्लू यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल वो आपके स्किन के लिए या आईज़ के लिए हार्मफुल नहीं है। लैसेस को पेस्ट करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। सो इसे हमें अच्छे से पेस्ट कर लेना है ग्लिटर को। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 7C का आईलाइनर, और इस पर लिखा गया है वाटरप्रूफ है ये, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मुझे मिला था 25 रुपीज़ में, मैंने बार्गेनिंग कराया तो ये मुझे 20 रुपीज़ में दिया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे एज अ आईलाइनर एंड एज अ मस्कारा भी यूज़ करूँगी। सो 10 रुपीज़ हो गया, मैनेजेबल हो गया। तो सो इसे मैं एक थिक आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एज यू कैन सी, एंड इसी आईलाइनर से मैं मस्करा भी अप्लाई करूँगी। एंड गाइज ये बहुत अच्छा मेकअप है, अफोर्डेबल में बहुत अच्छा है। सो मेरे पास एक पहले से स्पूली था, उसको मैं इसमें डिप कर दे रही हूँ एंड मस्करा एज अ मस्करा यूज़ कर रही हूँ।
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट भी करना है आपको कितना अच्छा लगा ये वीडियो। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ जॉय स्किन फ्रूट्स क्रीम और इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और ये बहुत अच्छा है, हाइड्रेट रखेगा आपके स्किन को एंड स्मूथ रखेगा। सो मैंने सबसे छोटा छोटा वाला पैक लिया है जो कि 10 रुपीज़ में आ जाए वही, एंड इसे अच्छे से मैं अपने पूरे स्किन में अप्लाई कर लूँगी। एंड मुझे अंडर 10 रुपीज़ कोई भी प्राइमर नहीं मिला, सो मैं प्राइमर को स्किप भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने एलोवेरा जेल को चूज़ किया क्योंकि सबके पास अभी अवेलेबल होता है एलोवेरा जेल एंड किसी भी लोकल मार्केट में इजीली मिल जाता है। सो इसलिए मैंने एलोवेरा जेल को चूज़ किया एंड उसको मैं अपने फेस पे एक लेयर बनाऊंगी एंड 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी सेट होने के लिए, ड्राई होने के लिए, तभी हमें फाउंडेशन यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपका फाउंडेशन पूरा ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट मैं सेम वही फाउंडेशन ले रही हूँ, एम्यूरा लिक्विड फाउंडेशन, और इसको अच्छे से हमें सेक कर लेना है एंड इसमें ऑलरेडी एक एप्लीकेटर दिया गया है, उसी की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। सो इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ एंड एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इस फाउंडेशन को पूरा अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। अगर आप कोई भी फाउंडेशन फाउंडेशन ब्रश से यूज़ कर रहे हो तो अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके फेस पे बहुत अच्छा कवरेज देता है। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो अच्छा कवरेज दिया है, बट लेकिन ये फाउंडेशन बहुत हाई कवरेज नहीं देता है, बिल्कुल नॉर्मल सा एक ग्लो देता है आपके फेस पे, अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और उसे अच्छे से मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक नेचुरल फिनिश लुक मिले। एंड गाइस प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होगा उसे भी हिट करना है एंड जैसे ही हिट करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा सो आपको ऑल पे हिट करना है तभी आप मेरे सारे वीडियोस देख पाओगे। एंड हमें अपने नेक को भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ हमारा फेस अलग, नेक अलग, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, नेक एंड ईयर दोनों को भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट मैं सेम फाउंडेशन को एज अ कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड गाइस मुझे भी नहीं पता था कि अंडर 10 रुपीज में इतना अच्छा आई मेकअप एंड फेस मेकअप क्रिएट हो जाएगा। सो ये लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताना। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पॉन्स का टैल्क और इसे मैं अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी एंड ये बहुत अच्छा टैल्क है, सबसे छोटा वाला पैक लिया है मैंने। सो गाइस ये हमारे फेस पे एक बहुत अच्छा ग्लो ऐड कर देगा एंड हमारे फाउंडेशन को सेट रखेगा, स्वेट प्रूफ रखेगा। सो इसे मैं सेट कर ले रही हूँ एंड हमें अपने नेक को भी स्किप नहीं करना है एंड देन मैं इसे अच्छे से डस्ट आउट कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ अगेन एमिन का ये लिप लाइनर है जो कि आपको इजीली 10 to 15 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो इसे मैं अपने नोज़ को कंट्रोल कर रही हूँ एंड लिटिल बिट चिक को, ज़्यादा नहीं। सो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अपने फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी क्योंकि थोड़ा सा क्रीमी है एंड ब्रश से ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से, सो इसलिए मैं इसे अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देन थोड़ा सा ब्रश लेके ब्लेंड कर रही हूँ ताकि स्मूथनेस आ जाए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ निकलाइन का लिपस्टिक जो मैंने आई शेडो के लिए यूज़ किया था और इसे मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी एंड इसे मैं अगेन फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी।
अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। एंड देन मैं एक लिप लाइनर ले रही हूँ और उससे मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी एंड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। एंड यहाँ पे मैं सेम वही लिपस्टिक ले रही हूँ निकलाइन का और ये रेड शेड है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप कि ये लुक आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।